अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में हमने ममलूक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया था। अब आज हम जो है तुगलक डायनेस्टी और ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी 1322-1413, सबसे पहले इसके रूलर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक और इनका लकब है गाजी मलिक। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है, गाजी मलिक जो है वो किसका टाइटल है? तो गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। He built a fort and capital called Tughlaq Dynasty. ठीक है, इन्होंने एक एक किला बनाया और कैपिटल और उसको फिर अपना कैपिटल बनाया और तुगलक डायनेस्टी, ये इसी तरीके से जो है वो तुगलक डायनेस्टी कहलाने लगी। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, हिज डेथ वॉज ड्यू टू सबोटेज अरेंज बाई हिज सन जोना खान। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, यानी इब्ने बतूता जो एक मौर्रिख हैं और एक मुसाफिर भी हैं जो मतलब सफ़रनामे लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी डेथ की जो वजह बताई है इन्होंने, जोना खान जो उनके बेटे थे यानी आगे चल के जो राजा बनेंगे, उनकी एक सोची समझी चाल थी उसके तहत उनकी उनकी मौत हुई है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जोना खान, ही रेज्ड द टेक्सस इन द दुआब रीजन। दुआब कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब जहाँ पे आबियाशी का पूरा इंतज़ाम हो और वहाँ पे खेती बाड़ी होती हो। तो इसने क्या किया कि ऐसे इलाकों में जो है दुआब वो टैक्सेस बढ़ा दिए, तो इससे क्या हुआ, यहाँ के लोग यहाँ से मुंतकिल होकर दूसरी जगह पर जाके रहने लगे, टैक्सेस जाके ज़्यादा टैक्सेस ना देने लगे। इससे क्या हुआ कि इनकी फसल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और फसल में कमी आई बहुत बड़े पैमाने पर। ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि इल्तुतमिश ने टका और जिताल कराया था, ऐसे इसने कॉपर एंड ब्रॉन्ज के जो है सिक्के नाफिज किए। और सबसे इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी अगर कॉन्ट्रोवर्शियल अगर कोई शख्सियत है तो इसी की शख्सियत है। इसने क्या किया, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन 1327 यानी दौलताबाद। दौलताबाद में इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया और फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने वापस से फिर से दिल्ली को बना लिया। तो इस वजह से इनके इस तरह के जल्द जल्द फैसलों की वजह से इनको कन्फ्यूज किंग भी कहा जाता है। ही सेट अप अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवाने कोही, इन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर के लिए नया सेटअप बनाया जिसको दीवाने कोही कहते हैं। इब्ने बतूता वॉज अ मोरक्को ट्रैवलर, इब्ने बतूता कौन है, वो हैं सयाह हैं मराकश के, इन्होंने इसी पीरियड में जो है हिंदुस्तान में विजिट किया था और इन्होंने किताब लिखी रिहला जिसको जो यानी कि सफ़रनामा। फिरोज शाह इनके बाद आते हैं, फिरोज शाह तुगलक मेड इकतदार सिस्टम हेरिडिटरी, यानी कि इन्होंने जो है इसको मौरूसी बना दिया इकतदार सिस्टम को। ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार व्हेन इट वाज स्टक बाय अ लाइटनिंग, जब बिजली गिर के कुतुब मीनार थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था और उसमें कुछ दरारें आ गई थी तो इसने इसको रिपेयर कराया था। ही ब्रॉट टू अशोका पिलर्स, इनका एक अहम कारनामा है, मतलब एक अहम काम है, कारनामा तो नहीं कि इन्होंने दो अशोका पिलर्स लाए, एक कहाँ से लाए, तुपारा से अम्बाला में लाए और दूसरा जो है वो मेरठ से दिल्ली में लाए। एक कहाँ है, अम्बाला में है और एक दिल्ली में है। दो अशोका पिलर कहाँ है, एक अम्बाला में एक दिल्ली में। बर्नी एक बहुत ही मशहूर हिस्टोग्राफर है जिसने की तारीख़ फिरोजशाही लिखी है और फतवा जहाँदारी लिखी है। तो ये कौन थे, इन्हीं के कोर्ट से जो है वाबस्ता थे, इन्हीं के दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। तारीख़ फिरोजशाही एंड फतवा जहाँदारी बर्नी की लिखी हुई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिरोज शाह फॉर्म दीवान खैरात एंड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुशफ़ा, इन्होंने फिरोज शाह का एक अहम कारनामा किया है, यानी कि दीवान खैरात इन्होंने चैरिटी के लिए खोला और दारुशफ़ा एक हॉस्पिटल बनाया। ही इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉइंस, आधा आधा यानी कि 50% ऑफ जिताल। अच्छा, जिताल किसने निकाला था, अल्तुतमिश ने, तो उन्होंने उसका क्या किया, आधा यानी 50% ऑफ जिताल एंड बिक 25% ऑफ जिताल, यानी कि ये 25 पैसा और ये 50 पैसा, क्या है इनका नाम, आधा और बिक। टर्क्स ब्रॉट विद देम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक रबाब एंड सारंगी, तो रबाब और सारंगी इस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तिमूर वॉज द ग्रेट मंगोल लीडर सेंट्रल ऑफ सेंट्रल एशिया रीच दिल्ली इन 1398 एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद यानी तुगलक किंग। तो नसीरुद्दीन महमूद एक तुगलक किंग है, नसीरुद्दीन महमूद ये एक पॉइंट बन सकता है, अहम पॉइंट पेपर में आ सकता है कि नसीरुद्दीन तुगलक के दौर में तिमूर यानी कि जो कि एक बहुत बड़ा मंगोल लीडर था सेंट्रल एशिया का, वो दिल्ली में पहुंचा और उसने क्या किया, एक आम कत्ल गारदगिरी का जो है हुक्म दे दिया दिल्ली में और तुगलक एम्पायर जो है वो इससे बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकी इस इंसिडेंट के बाद और ख़त्म हो गई।
अगर देखा जाए तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है शायद, ऐसा मुझे लगता है, क्या पता आ जाए, कि दो सल्तनत जिसको कि मंगोल ने ख़त्म कर दिया, एक अब्बासी सल्तनत जिसको 1258 में मंगोल ने तातार करके ख़त्म कर दिया, और एक तुगलक डायनेस्टी जिसको कि मंगोलों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, यानी सबसे वीक डायनेस्टी। खिजर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया कि जो तिमूरी का हमला हुआ था हिंदुस्तान पर, उसके बाद इन्होंने ये एडवांटेज लिया कि इन्होंने अपनी सल्तनत बना ली। मुबारक शाह सक्सेडेड हिम, ठीक है, खिजर खान को किसने सक्सेड किया, मुबारक शाह ने। ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकबाद सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ जमुना, जमुना के किनारे इन्होंने मुबारकबाद जो है एक सिटी बनाई। ही वॉज किल्ड बाई द नोबल इन हिज ओन कोर्ट, ठीक है, इसके कोर्ट के जो नोबल लोग थे, यानी कि मंत्री और बड़े बड़े ओहदे के फाइज लोग जो होते हैं, इन्होंने ही मिलकर जो है इसको कत्ल कर दिया। फिर इन्हीं लोगों ने, यानी ये जो नोबल्स थे दरबार के, इन्होंने ही मोहम्मद शाह को, यानी कि जो मुबारक का भतीजा था, उसको तख्त पर बिठा दिया अपने हाथों की कठपुतली बनाने के लिए। तो मोहम्मद शाह, ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ मालवा विद द हेल्प ऑफ बहलुल लोदी द गवर्नर ऑफ लाहौर। उस टाइम पे बहलुल लोदी कौन था, लाहौर का गवर्नर था, यानी कि सैयद डायनेस्टी के टाइम पर। उसने क्या किया, मालवा के रूलर को डिफीट कर दिया बहलुल लोदी की मदद से। फिर इसने बहलुल लोदी को उसकी मदद करने के लिए खाने खाना का टाइटल दिया। खाने खाना किसका टाइटल था, मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह का क्या टाइटल था, खाने खाना। लेटर अलाउद्दीन शाह सक्सेडेड हिम, अलाउद्दीन शाह ने क्या किया, फिर उसके बाद उसको सक्सीड कर लिया। आलम शाह और अलाउद्दीन शाह जो है वो लास्ट सैयद रूलर हैं, इसके बाद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और ये जो लास्ट रूलर हैं अलाउद्दीन या आलम शाह जिसे कहते हैं, इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया बहलोल लोदी के हक़ में। तो इस तरीके से जो है लोदी डायनेस्टी शुरू हो जाती है और सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी, यानी लोदी डायनेस्टी। बहलुल लोदी वॉज वन ऑफ द अफगान सरदार हु एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। इसने क्या किया, बहलुल लोदी ने, ये एक अफगान सरदार था। एक तो इस दफ़ा क्वेश्चन पे इस तरह भी बहुत आता है कि वो अफगान थे, कुर्द थे, टर्क थे, अरब थे, इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये याद रखें कि लोदी डायनेस्टी, ये बहलुल लोदी कौन था, ये अफगान था, अफगान सरदार था। और इसने क्या किया, पंजाब में तिमूर के इन्वेजन के बाद खुद को स्टैब्लिश किया। बहलोल लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी, ये लोदी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोदी, इनका ज़माना है 1489 से 1517। तो ही फाउंड सिटी ऑफ आगरा, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि इन्होंने सिटी ऑफ आगरा को बनाया 1504 में, 1504 में। और इन्होंने कुतुब मीनार को इन्होंने भी रिपेयर कराया। इन्होंने ये क्या करते थे, पोएम लिखा करते थे और गुलरुखी पेन नेम के साथ। इनका पेट नेम क्या था, गुलरुखी था, इस नेम से वो पोएम लिखा करते थे। ही ऑर्डर टू बी ट्रांसलेट संस्कृत वर्क इन मेडिसिन, यानी संस्कृत के जितने भी मेडिसिन के वर्क्स थे उन्होंने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने का हुक्म दिया। इनका सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, बिहार के ऊपर, बिहार की फतह है। और सिकंदर लोधी का जो टॉम है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। उसके बाद इब्राहिम वो लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर आते हैं, इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 तक हैं। तो ये कौन थे, सिकंदर लोधी के सबसे बड़े बेटे थे और ये लास्ट सुल्तान भी हो रहे। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये पानीपत की पहली जंग जो हुई थी बाबर से, उसमें ये हार गए और मारे गए 1526 में। कब हुई पानीपत की पहली जंग, 1526 में। तो इस तरीके से याद करना आसान होगा कि इब्राहिम लोदी डायनेस्टी जो है वो 1526 में ख़त्म हुई, तो जाहिर सी बात है कि पानीपत की पहली जंग भी 1526 में होगी। तो 1526 में ही बाबर हिंदुस्तान आया, 1526 में ही जो है पानीपत की जंग हुई, 1526 में ही जो है लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। तो